Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 5th, which is the last part of our series, Environment and Ecology Current Affairs series from December 2019 to March 2020. So, आज के लिए जो हमारा first topic है, जो हमने कल cover करे थे, बहुत सारे topics हमने biodiversity से cover किए थे, बहुत सारे हमने environment, जो हमारा climate change है, pollution, इससे related बहुत सारे conferences वगैरह भी discuss किए थे. So, आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये है प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस बेस्ड ओशियन सॉल्यूशंस. तो ये क्या है, ये जो चाइल्ड जो कंट्री है, कल भी हमने COP25 के बारे में जो डिस्कस किया था, जिसको चाइल्ड ने मैड्रिड में जो है ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे चाइल्ड ने क्या किया है, इस्टैब्लिश किया, लॉन्च किया है एक न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस बेस्ड ओशियन सॉल्यूशन. चाइल्ड इन इट्स रोल एज प्रेसिडेंसी ऑफ 5th session of the Conference of the Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change, जो कि हमने कल डिस्कस की थी. So, यहाँ पे इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. ये प्लेटफॉर्म जो है, this platform aims to promote the necessity of addressing ocean and climate issues synergistically and to encourage the incorporation of the ocean in country climate commitments and strategies. Platform of Science Based Ocean Solutions aims to enhance the sharing of knowledge created by various actors in ocean and climate community to advance ocean climate action. तो यहाँ पे जैसे कि ocean का बहुत बड़ा role होता है climate change में, क्योंकि ocean की जैसे कि जो ऊपर की layer है वहाँ पे अगर temperature कम या ज़्यादा होता है तो वैसे ही accordingly climate change होता है. तो इसीलिए यहाँ पे यही है कि ocean के role को काफी ज़्यादा आगे लाया गया है climate change में. उसके बाद जो है इसके बारे में यही है कि प्लेटफॉर्म जो है इंस्टू प्रमोट करेगा जो जरूरत जो है एड्रेसिंग ओशियन एंड क्लाइमेट इश्यूज, ताकि उनको इकट्ठा सॉल्व किया जाए, एक साथ रख के देखा जाए जो ओशियन और क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B, तो ये न्यूज में क्यों है, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने अचीव कर लिया है कंप्लीट फेज आउट ऑफ दिस गैस, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, इसके लिए इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं, जैसे एक जो गैस उसको ज्यादा खराब करती है, जो कि हमारे एसीज वगैरह जो है वहां पे रेफ्रिजरेटर वहां यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे ज्यादा खराब करती है ओजोन लेयर को. तो उससे रिलेटेड इसको खत्म करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है वहां पे प्लेस, जो मॉन्ट्रियल प्लेस जो कनाडा में है वहां पे मीटिंग हुई थी, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में. ये एक ग्लोबल लेवल पे एग्रीमेंट है जिसका काम है कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है उसको हमने ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कंप्लीटली खत्म करना है. तो अब जब 1987 में ये डिसाइड किया गया तो सडनली तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में यूज होती है तो हम सडनली एकदम से उसको फेज आउट कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं था. तब उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑल्टरनेट ढूंढा जाए, ऑल्टरनेट उसका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था और कहा गया कि इसको ज्यादा यूज किया जाए. फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे बहुत सारी जगह पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज किया जाने लगा, लेकिन फिर बाद में सामने आया कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलग से साइड इफेक्ट्स हैं. तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश की गई कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको पहले फेज आउट किया जाए. तो इसीलिए अभी जो है न्यूज में ये इंडिया के लिए न्यूज में ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने अचीव कर लिया है कंप्लीट फेज आउट. अभी हमारे इंडिया में जो ये गैस है HCFC जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको कंप्लीटली फेज आउट कर दिया गया है, इसको अब कहीं पे भी यूज नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये न्यूज में है. सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है
brought out a notification through which the issuance of import license for hydrochlorofluorocarbon 141B has been prohibited from January 1st this year. अभी क्या किया गया है कि हमारे जैसे कि इंडिया में जितनी भी ये गैस है हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की जाती थी, इसको प्रोड्यूस जो है हम नहीं करते थे, इसको जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते थे. सो बाहर से हम इसको जो है इंपोर्ट करते थे, बाहर से इंपोर्ट जो है जितना भी इंपोर्ट था वो बाहर से ही होता था, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे. अभी क्या किया गया कि लाइसेंस जो है उसका खत्म कर दिया गया है कि अब जो है किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि हम बाहर से मंगवाएं, और यहाँ पे इसके यूज को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है. इट वाज इश्यूड जो ये वाला जो लाइसेंस है इट वाज इश्यूड अंडर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स 2019 इश्यूड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो जो कम्प्लीट फेज आउट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इज अमंग द फर्स्ट एट दिस स्केल इन आर्टिकल 5 पार्टीज डेवलपिंग कंट्रीज जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टीज है. सो उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन इंडिया के कहां कहां पे इसको यूज किया जाता था. इट इज यूज मेनली एज अ ब्लोइंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयुरेथीन फॉर्म्स. पॉलीयुरेथीन जो फॉर्म्स है सेक्टर हैज लिंक्स विद कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल्स कमर्शियल रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर्स वाटर गीजर्स एटसेट्रा. इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन कंट्री एंड ऑल द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू इम्पोर्ट्स. सो उसके बाद है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ compounds containing carbon, hydrogen, chlorine and fluorine. So they have shorter, इनके बारे में अगर बात करें, they have shorter atmospheric lifetime than जो हमारी जो chlorofluorocarbon है उससे कम टाइम के लिए एटमोस्फेयर में रहते हैं एंड डिलीवर लेस रिएक्टिव क्लोरिन टू द स्ट्रेटोस्फेयर. सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू सेटअप अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स विद द कैपेसिटी ऑफ टोटल 50 गीगावाट इन गुजरात एंड राजस्थान. तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने प्रपोजल दिया है कि वो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश करेंगे जिनकी कैपेसिटी 50 गीगावाट होगी. गुजरात और राजस्थान के दो प्लेसेस को चूज किया गया है इसके लिए. सो द इनिशिएटिव कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. ये बात भी याद रखनी है. गुजरात में खवड़ा और जो जैसलमेर राजस्थान में हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स ऑफ 25 गीगावाट ईच. तो पूरा जो है 50 गीगावाट है. गुजरात में जो स्टैब्लिश होगा वो भी 25 गीगावाट का होगा और जो दूसरा है राजस्थान में जो होगा वो भी 25 गीगावाट का होगा. ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी कैपेसिटी जो है एक ही जगह पे एक पार्क में इससे पहले नहीं हो रहा था. जितनी जो है हम एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते थे इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, कम कैपेसिटी के होते थे प्लांट्स वगैरह. पार्क जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी को अचीव करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे. सो अबाउट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अंडरटेकन अ स्कीम टू डेवलप दिस पार्क्स अंडर द एग्जिस्टिंग सोलर पार्क स्कीम. तो जो हमारी एग्जिस्टिंग हमारे पास सोलर पार्क स्कीम है उसी के ही अंडर ये जो है जो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है इसी के अंडर ही इस्टेब्लिश करे जाएंगे. इनका एम क्या है? इनका एम है इज टू प्रोवाइड लैंड अप फ्रंट टू द प्रोजेक्ट डेवलपर एंड फैसिलिटेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स विद सोलर विंड हाइब्रिड एंड ऑल्सो विद स्टोरेज सिस्टम इफ रिक्वायर्ड. तो इस प्रोजेक्ट में जो है जितने भी डिवेल्पर होंगे उनको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, लैंड अपफ्रंट टू द प्रोजेक्ट डिवेल्पर एंड फैसिलिटेट किया जाएगा, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनको दिया जाएगा. और ये जो पूरा एक बड़ा पार्क होगा इसमें जो है ओवरऑल जैसे एक पार्क है उसकी कैपेसिटी कितनी उन्होंने जनरेट करनी है 25 गीगावाट. तो वहां पे सोलर प्लांट लगेंगे, विंड प्लांट लगेंगे, हाइब्रिड प्लांट लगेंगे. तो इस टाइप के काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगेंगे. सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी सोचा जा रहा है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अलग से क्रिएट किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी टू बी सेटअप बिटवीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड एनी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टेट यूटिलिटी
और एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशल पर्पस व्हीकल फुली ओन्ड बाय एनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्पेशल पर्पस व्हीकल फुली ओन्ड बाय एनी स्टेट पीएसयू स्टेट यूटिलिटी एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी प्रपोजल है, एम किया जा रहा है, आगे चल के थोड़ा थोड़ा आगे करके डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया जाएगा। सो वेरियस कंपनीज सच एज एनटीपीसी सेकी हैव प्रपोज्ड टू सेट अप अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स ऑफ अराउंड 42,000 मेगावाट इन वेरियस स्टेट्स। तो इनके भी अलग अलग प्रपोजल्स अभी आ रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज रिसेंटली डायरेक्टेड थर्मल पावर प्लांट्स टू टेक प्रॉम्प्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश क्या होती है? फ्लाई ऐश होती है कि जैसे कि कोल को बर्न किया जाता है तो उससे जो है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं। तो फ्लाई ऐश जो है इट इज अ फाइन एक टाइप का पाउडर जैसा होता है, जैसे कोल पावर प्लांट है वहां से जो है जब कोल को बर्न किया जाता है उधर जो है बहुत ज्यादा ऊपर से जो है पाउडर फॉर्म में बहुत ही फाइन पाउडर है वो निकलता है, उसको फ्लाई ऐश कहते हैं, विच इज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। कंपोजिशन इसमें होता क्या क्या है फ्लाई ऐश में? इट इंक्लूड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ सिलिका एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक बोरॉन क्रोमियम लेड एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रेस कंसेंट्रेशन। तो ये सब होता है फ्लाई ऐश में। अभी फ्लाई ऐश है वैसे तो ये काफी ज्यादा इसके एडवांटेजेस भी है, कहा जाता है कि अगर जो है इसको सॉइल में मिला के प्लांट्स वगैरह लगाए जाए क्रॉप्स ग्रो किया जाए तो बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है, लेकिन इसके जो है इसके डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि अगर इसको प्रॉपर वे में यूज ना किया जाए डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, क्योंकि सांस के थ्रू जो है हम जो है ह्यूमन इसको अंदर इनहेल करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा जो है बीमारियां लग सकती हैं। उसके अलावा जो है प्लांट्स के ऊपर जब ये पड़ेगी, नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके ऊपर पत्तों के ऊपर पड़ेगी तो भी उसको नुकसान होगा, लेकिन इसको अगर कलेक्ट करके अच्छे से सॉइल में इसको जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वहां इसको यूज किया जाए तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या है कि थर्मल जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने डायरेक्ट किया है थर्मल पावर प्लांट्स को कि वो कुछ स्टेप्स लें ताकि जो है साइंटिफिक डिस्पोजल हो सके फ्लाई ऐश का। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन आस्क्ड टू कंप्यूट एंड लेवी एनवायरमेंटल कंपनसेशन। ट्राइब्यूनल ऑल्सो डायरेक्टेड अ कमिटी कंप्राइजिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड IIT रुड़की टू असेस द एनवायरमेंट डैमेज विद रिगार्ड टू ब्रीच साइट्स एंड सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन 3 months। तो यहाँ पे इंडिया में फ्लाई ऐश जनरेशन कैसे होती है, हमारे यहाँ लार्ज क्वांटिटीज में ऐश ऐसी जनरेट होती है क्योंकि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स वो जो कोल होता है उसकी जैसे कि एंथ्रासाइट होता है वो बेटर जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, फिर बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट जो है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है, इसको जब बर्न किया जाता है तो सबसे ज्यादा फ्लाई ऐश इसमें से निकलती है। तो इस तरह से हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो इसी टाइप का जो घटिया किस्म का कोल है उसको इस्तेमाल करते हैं पावर प्रोडक्शन में। तो इस तरह से क्या होता है कि ज्यादा फ्लाई ऐश वहां से जो थर्मल पावर प्लांट्स है इंडिया में वहां से निकलती है, विच नॉट ओनली रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ प्रेशियस लैंड फॉर इट्स डिस्पोजल बट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। तो इस कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है फ्लाई ऐश को डिस्पोज किया जा सकता है। मेथड जैसे कि मेथड्स ऑफ साइंटिफिक डिस्पोजल, एक तो है ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, इसके बारे में आपने शंकर आईएएस की बुक में पढ़ा होगा वहां पे डिफाइन किया हुआ है इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इनेबल्स कलेक्शन ऑफ ड्राई फ्लाई ऐश विच इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और कन्वेयर्स एट अ साइट एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ड्राई एम्बैंकमेंट। तो उसके अलावा एक है वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम। वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम में क्या होता है कि इसको वाटर के साथ मिक्स करके जो एक स्लरी बनती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू पाइप्स और उसको फिर डिस्पोज कर दिया जाता है ऐश पॉन्ड्स वगैरह में, और उसको जो है जो प्लांट के आसपास ऐश पॉन्ड्स है उनमें उसको जो है डंप कर दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अभी जो है NGT ने कहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कि इसका साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए। तो ये है पूरा फ्लाई ऐश के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू साउथर्न ओशन 2020। तो साउथर्न ओशन सबसे पहले पता है कहाँ होना जाता है, साउथर्न ओशन यहाँ पे है
जैसे कि ये साउथ अमेरिका है, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इनकी जो साउथर्न पार्ट है वो पूरा कंबाइन मिला के अंटार्कटिका के आसपास ये सारा जो है वो साउथर्न ओशियन है, ये सारा जो है वो साउथर्न ओशियन है जो अंटार्कटिका के आसपास है। तो साउथर्न ओशियन का बहुत बड़ा रोल है अगर हम देखें तो, जैसे कि साउथर्न ओशियन में जितने भी जैसे कि वेदर फिनोमिना आजकल हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस टाइम में साउथर्न ओशियन में जो है देखा गया है कि इसको स्टडी जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से बहुत ज्यादा लिंक है जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, तो इस तरह से इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पता चल सके कि पुराने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा था और ताकि आने वाले टाइम में जो है हम क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव को कुछ टाइम कुछ हद तक हम रोक सके। तो इस तरह से क्या है कि एक्सपीडिशन होती है, रिसेंटली जो है ये वाली 2020 वाली एक्सपीडिशन जो है ये 11th एक्सपीडिशन है ऑफ इंडियन मिशन टू साउथर्न ओशियन, और इसको जो है अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, साउथर्न ओशन भी कहते हैं, एक ही बात है। सो अगर एक्सपीडिशन की बात करें, इट इज पार्ट ऑफ द इंडियन साउथर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम विच वॉज इनिशिएटेड इन 2004। सो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीडिशन हमने लीड की थी वो 2004 में की थी, देन द पायलट एक्सपीडिशन टुक प्लेस ऑन बोर्ड ओआरवी सागर कन्या। सो दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये प्रोग्राम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है एंड इज ऑपरेटेड अंडर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का ये प्रोजेक्ट है और इसको जो है इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। सो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का पूरा जो है, हम हर साल यहाँ पे एक्सपीडिशन करते हैं, अपने एक जो है रिसर्च जो वेसल है, ओशियन रिसर्च वेसल है, उसको लेके वहां पे जाते हैं, पूरा सब कुछ देखते हैं। तो वो किस लिए, इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है टू क्वांटिफाई चेंजेस दैट आर अकरिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन लार्ज स्केल वेदर फिनोमिना लाइक इंडियन ओशियन थ्रू टेले कनेक्शन। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस ओशियन में और उनको फिर क्वांटिफाई करना, फिर देखना कि उनका असर इंडियन मॉनसून जैसे इवेंट्स के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। अब देखिए जितने भी हमारे ये पोलर रीजन है यहाँ पे बर्फ जो है वहां पे आइस बहुत ज्यादा जल्दी पिघल रही है, उसका जो है आइस पिघल रही है मतलब कहने का कि जो वाटर लेवल है वहां पे वो राइज हो रहा है, वहां पे अगर कुछ इश्यू होगा तो पूरे वर्ल्ड में जो वेदर फिनोमिना है वो चेंज होंगी। तो इस तरह से उसको स्टडी करना पहले ज्यादा जरूरी है ताकि बाकी जो ओवरऑल वर्ल्ड में जहां जहां पे भी वेदर फिनोमिना इसकी वजह से अलग चीजें हो रही हैं तो वो पता किया जा सके, उसका कॉज यहां से ढूंढना जरूरी है, इसीलिए हर साल ये एक्सपीडिशन होती है। सो एक्सपीडिशन इन्वॉल्व वर्किंग ऑन 6 कोर प्रिंसिपल्स, स्टडी हाइड्रोडायनेमिक्स एंड बायोजियोकेमिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशियन सेक्टर ऑफ द साउथर्न ओशियन। सो साउथर्न ओशियन में जैसे कि मैंने बताया कि अंटार्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इनका जो साउथर्न पार्ट है वो सब मिला के ये जो साउथर्न ओशियन बनता है। तो हमने स्टडी करना है हाइड्रोडायनेमिक्स एंड बायोजियोकेमिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशियन सेक्टर ऑफ द साउथर्न ओशियन। It also involves sampling sea water at different depths. उसके बाद है observations of the trace gases in atmosphere such as halogens and dimethyl sulfur from ocean to atmosphere. Study organisms called coccolithophores that have existed in the oceans for several million years. Their concentrations in sediments so as to create a picture of past climate, जो कि मैंने पहले बताया कि पता चले कि पास्ट में यहाँ पे क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा था ताकि फ्यूचर में फिर हम प्रिडिक्ट कर सके। उसके बाद है इन्वेस्टिगेट एटमोस्फेरिक एरोसोल्स एंड देयर ऑप्टिकल एंड रेडिएटिव प्रॉपर्टीज टू क्वांटिफाई देयर इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स क्लाइमेट। उसके बाद है स्टडी द साउथर्न ओशियन से इम्पैक्ट ऑन इंडियन मॉनसून, understand dynamics of food web in southern ocean for safeguarding catch and planning of sustainable fishing. तो ये सारे 6 जो aim है जिसकी वजह से expedition हर साल वहां पे करते हैं, ये सारे aims को ध्यान में रख के।
सो अगर जो सेंटर है जिसके अंडर सब कुछ होता है उस सेंटर की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन 1998. इट इज इंडियाज प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज रिसर्च एक्टिविटीज इन पोलर एंड साउथर्न ओशियन रियल्म्स. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2020. अब एग्रीकल्चर जो है पहले कैसी होती थी, अनसस्टेनेबल होती थी, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स को इंसेक्टिसाइड्स इनको यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर जब उन क्रॉप्स को इस तरह से ग्रो किया जाता था फिर इंसान उसको खाते थे, उसके जो है बैड हेल्थ इम्पैक्ट्स होते थे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फेमस हुई. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इनको यूज नहीं किया जाता, सिर्फ नेचुरल इनपुट्स को यूज करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. तो अभी इसका डेटा इससे रिलेटेड आया है कि किस तरह कौन सी कंट्री में कहाँ पे कितनी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सब हो रहा है उसके बारे में है. सो सर्वे वॉज रिलीज्ड बाय स्विट्जरलैंड बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक एग्रीकल्चर एंड जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल. तो दो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने मिलकर ये सर्वे कंडक्ट कराया है. वैसे तो इसमें बहुत सारा डेटा था लेकिन बहुत सारा डेटा इररिलेवेंट था, उसका पेपर से कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए वो आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने वो रिमूव कर दिया. जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा था सिर्फ उतना ही यहाँ पे रखा है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है अगर इस टॉपिक पे आता है तो. सो करेंटली अगर देखें तो 1.5% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड इज ऑर्गेनिक. तो जितनी भी लैंड पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसका 1.5% जो है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, 1.5% पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है बहुत कम. लेकिन अगर हम लैंड के हिसाब से देखें, अब लैंड भी पूरे वर्ल्ड की बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से ये एरिया बहुत ज्यादा है. रीजन विद लार्जेस्ट एरियाज ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है, वो है ओशिनिया. ओशिनिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें अराउंड 12 कंट्रीज आते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के आसपास जो राइट साइड में कुछ छोटे छोटे जो छोटे छोटे वो है आइलैंड्स हैं वो सब मिलके ओशिनिया है पूरा. सो ओशिनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक एरिया, जितना भी टोटल ऑर्गेनिक एरिया पूरे वर्ल्ड में है जो कि पूरे वर्ल्ड का 1.5% है, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका 50% ओशिनिया में होता है. यूरोप में कितना होता है, 22%. सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर की बात करें अब अगर फार्मर्स की, इज इंक्रीजिंग, दैट इज 2.8 मिलियन ऑर्गेनिक फार्मर्स इन 2018, अ राइज ऑफ 55% फ्रॉम 2009. सो यूएसए द सिंगल लार्जेस्ट मार्केट, 42% शेयर फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक्स. यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक्स की बात हो रही है. तो यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट मार्केट 42% शेयर किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का है. सो उसके बाद इंडिया का स्टेटस अगर हम देखें तो 1.1% लैंड ऑफ टोटल फार्म लैंड अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इन 2018. सो इंडिया में जितनी भी लैंड के ऊपर खेती होती है उसमें उसका 1.1% लैंड जो है वो दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन. उसके बाद जो है 1.14 मिलियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, उसके बाद यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर जो कि फार्मर्स हैं कितने हैं, 1.14 मिलियन, 41% ऑफ द 2.8 मिलियन ग्लोबल टोटल. तो ग्लोबल लेवल पे पूरे कितने ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं, दे आर 2.8 मिलियन एंड उसका 41% विच इज 1.14 मिलियन दे आर इन इंडिया. सो 1.9 मिलियन हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इन कन्वर्जन एरियाज, 2.7% ऑफ द 71.5 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबल ट्रेंड. सो 1.5 मिलियन जो हेक्टेयर है अंडर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, 2.7% है ये वर्ल्ड का. उसके बाद जो है 47% ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में होती है. जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन है उसका 47%, ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं, इंडिया में होता है. तो ये बहुत कम डेटा मैंने निकाल के सिलेक्टिवली रखा है, फालतू का निकाल दिया था, तो इतना सा आप याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सेंटर
फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लॉन्चेस सर्विसेज फॉर मरीन बेस्ड यूजर्स. तो जो मरीन बेस्ड यूजर्स हैं उनके लिए तीन सर्विसेज को इस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है. कौन कौन से हैं? स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विस सिस्टम. इट इज टू इम्प्रूव ऑपरेशंस ऑफ द न्यूमरस स्मॉल मरीन वेसल्स, पर्टिकुलरली फिशिंग वेसल्स, बाय वार्निंग. वेसल्स वो होती है कि जैसे कि फिशिंग करने के लिए एक वो कह सकते हैं ना, एक वेसल को लेके जाते हैं, शिप टाइप कह सकते हैं कुछ उसको लेके जाते हैं, तो वही है वेसल. तो पर्टिकुलरली फिशिंग वेसल, बाय वार्निंग अबाउट पोटेंशियल जोन्स वेयर वेसल ओवरटर्निंग कैन टेक प्लेस 10 डेज इन एडवांस. तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विस सिस्टम है, जो फिशिंग वेसल्स को फिशिंग के लिए यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पे उनकी वेसल जो है वो पलट सकती है, तो उनको 10 डेज एडवांस में ऐसी वार्निंग दे दी जाएगी कि उन एरिया में मत जाए. सो सेकेंड जो है सर्विस लॉन्च किया है, स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम. ये डिजाइन किया गया है ताकि जो है प्रिडिक्ट किया जाए कला कडल और स्वेल सर्च दैट अकर्स अलोंग द इंडियन कोस्ट, पर्टिकुलरली द वेस्ट कोस्ट. तो क्या होता है कि जो ये वाला इवेंट है कला कडल, या फिर इसको स्वेल सर्च भी कहा जाता है, ये एक इवेंट है जो कि वेस्ट कोस्ट पे, इंडियन कोस्ट पे आता है. ये है क्या, इसको जो है केरला के फिशरमैन ने ये नाम दिया हुआ है कला कडल. ये एक टाइप का फ्लैश फ्लड इवेंट्स है दैट टेक प्लेस विदाउट वार्निंग. कई बार क्या होता है कि वार्निंग के बिना ही फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, इंडियन कोस्ट पे आते हैं, ज्यादातर वेस्ट कोस्ट पे आते हैं केरला के आसपास. इसलिए केरला के जो फिशरमैन है उन्होंने इसको नाम कला कडल का दे दिया है. एनी नोटिसेबल एडवांस चेंज इन लोकल विंड्स और एनी अदर अपेरेंट सिग्नेचर, तो इससे बिना वार्निंग के ये आते हैं. सो कला कडल को कई बार ऐसा टी सुनामी की तरह समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कला कडल और टी सुनामी दोनों ही डिफरेंट इवेंट्स हैं. इट इज कॉज्ड बाय मेटियोरोलॉजिकल कंडीशंस इन द साउथर्न ओशन. तो कला कडल को ऐसा कई बार समझ लिया जाता है कि टी सुनामी है, लेकिन टी सुनामी कला कडल दोनों ही डिफरेंट हम कह सकते हैं सेपरेट इवेंट्स हैं. उसके अलावा इसमें यही है बस, कला कडल का जो है केरला के फिशरमैन ने इसको नाम दिया फ्लैश फ्लड इवेंट्स है दैट टेक प्लेस विदाउट एनी नोटिसेबल एडवांस चेंज इन लोकल विंड्स और एनी अदर अपेरेंट सिग्नेचर इन कोस्टल एनवायरनमेंट. थर्ड सर्विस जो लॉन्च की है वो है एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस. इट प्रोवाइड्स नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन स्पैटियो टेम्पोरल अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विच आर डेट्रीमेंटल टू कोस्टल फिशरीज एंड इंक्लूड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विद इन द कोस्टल पॉपुलेशन. तो इसमें ये है कि जो एलजी का जो ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा ब्लूम होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो इसकी भी जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन पूरी दी जाएगी, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल है टू कोस्टल फिशरीज. अब ये ज्यादा हो जाए तो फिशीज को दिक्कत होगी फिर ग्रो करने में, और उसके बाद इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है जो कोस्टल पॉपुलेशन है उनको इसकी वजह से. तो ये तीनों सर्विसेज याद रखनी है, किसने लॉन्च किए हैं ये भी याद रखनी है. उसके अलावा इसके इसी में जो है वो है फॉर दिस फोर रीजन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ब्लूम हॉटस्पॉट. तो जहां पे एल्गल ब्लूम ज्यादा होता है, एल्जी ज्यादा हो जाती है, वो कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, कोस्टल वाटर्स ऑफ केरला, गल्फ ऑफ मन्नार, कोस्टल वाटर ऑफ द गोपालपुर उड़ीसा में है जो कि. उसके बाद ये तीन सर्विसेज हैं, किसने लॉन्च किए हैं? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इस्टेब्लिश्ड इन 1999 एट हैदराबाद. इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ साइंस अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली. दिस ऑपरेट्स एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो ये पूरा इसके बारे में है. नेक्स्ट है सी रेंचिंग और ओशियन रेंचिंग. ये टर्म न्यूज में थी. तो सी रेंचिंग और ओशियन रेंचिंग होती क्या है? ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है जहां पे क्या होता है कि वेयर द फिश दैट आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट, जो फिशेज होती है जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट होती है, जिनको जैसे कि फिशिंग की जाती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको आगे बेचा जाएगा, एंड नीड रिप्लेनिशमेंट आर रियर, तो उनको रियर किया जाता है इन अ कंट्रोल्ड लेबोरेटरी इन्वायरमेंट. तो उसको जो है कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में उनको जो है रियर किया जाता है, उसके बाद उनको सी में समुन्द्र में छोड़ दिया जाता है वेन दे आर ऑफ द सर्टेन साइज. जैसे कि उनको ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद जो है जब वो थोड़ा साइज उनका बड़ा हो जाता है थोड़ा सा कि वो खुद को जो है सर्वाइव कर पाए सी में, तो उसको सी में छोड़ दिया जाता है. एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि उनको जो है दे वुड डेवलप सो दैट
लोकल फिशर्स जो है, लोकल फिशर्स कैन कैच देम. दिस इज बींग डन एज पार्ट ऑफ द फेज टू ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान. तो जो लोकल फिशर्स है जो है उनको जो है कैच कर पाए उनको जो है, क्योंकि क्या होता है कि नेचुरली फिशेज बनेंगी तो नेचुरल प्रोसेस में डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है. लेकिन जब ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इतना टाइम होता नहीं है. सो इसीलिए टाइम को सेव किया जाए तो लेबोरेटरी में जल्दी उनको ग्रो करके जब वो सर्टिन साइज के हो जाए उनको सी में छोड़ दो, फिर वो खुद ही सर्वाइव करेंगे, फिशरमैन वगैरह उनको कैच करेंगे और आगे उनको बेचेंगे. सो द सी रेंचिंग प्रोग्राम बींग कैरिड आउट बाय द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये इसके बारे में पूरा है. उसके बाद नेक्स्ट है एक ऑपरेशन न्यूज में है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट. ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, ये वाला जो एक एनिमल जो है मोंगूज जो है इसको सेव करने के लिए है. क्या है कि जो इसके हेयर है ना इससे जो है ब्रशेस बनते हैं, पेंट ब्रशेस जो होते हैं, और वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के ब्रशेस होते हैं. तो जो सुपीरियर क्वालिटी के ब्रशेस होते हैं इसके जो हेयर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसकी बॉडी पे काफी हेयर है, तो ये हेयर को यूज करके जो है मंगूज, ये जो मंगूज है ये इसके हेयर को यूज करके सुपीरियर क्वालिटी के पेंट ब्रशेस बनाए जाते हैं. अभी क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या है, इनको खतरा पैदा हो गया है. तो इसीलिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट इंडिया ने लॉन्च किया है. इट इज अ फर्स्ट. यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑपरेशन, इसमें जो कीवर्ड्स है कुछ कुछ वो मैं बताऊंगी, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सो इट इज अ फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर conceived by Wildlife Crime Control Bureau. इसका aim है to ensure that mongoose hair brush trade should be closed down across country. और इसको, इसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले तो जो ये वाला जो mongoose है इसका IUCN status क्या है, least concern है. अभी तो ये least concern है, मतलब कि इसके इसकी जो population है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इसी तरह से इसको मारा गया तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं बचा कि ये भी एक टाइम पे हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे. क्योंकि कहा जाता है कि 150 केजीज जो है हेयर के लिए अराउंड 6000 मंगूज को मारा जाता है. 6000 मंगूज के हेयर को कलेक्ट करके सिर्फ 150 केजी हेयर बनते हैं, तो उसके कितने ब्रशेस बनेंगे. ब्रशेस अगर इतनी सुपीरियर क्वालिटी के हैं डेफिनेटली उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी. तो इस तरह से अगर इस तरह से इनको मारा जाए तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे. इसीलिए इसको खत्म ना हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट लॉन्च किया है. और ये ऐसा पहला ऐसा ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है टू क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर. उसके बाद किया किसने है, इसे वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. इंडिया में जितने भी होते हैं ना जो स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ही काम करता है. इंडिया का भी एम यही है कि इंडिया में ये जो इसकी ट्रेड होती है मंगूज हेयर की, इसको कंप्लीटली खत्म कर देना है, बंद कर देना है. प्रोटेक्शन इसको मंगूज को दी गई है, इस लिस्टेड इन शेड्यूल 2 पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और इसके अंडर अगर कोई भी स्मगलिंग और होती है इसकी या फिर इसके बॉडी पार्ट को कोई पजेस करेगा वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है. तो ये है इसके बारे में पूरा. उसके बाद है, यूरोपियन यूनियन हैज बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल ब्लॉक टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी. तो अभी क्या है कि जैसे कि हमारा क्लाइमेट बहुत खराब हो रहा है तो अलग अलग टाइप की आपने इमरजेंसी सुनी होंगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, अलग टाइप की होती है, हेल्थ इमरजेंसी होती है. लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला सबसे पहला ब्लॉक यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं जैसे कि स्पेन, फ्रांस, यूके, इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर किया है. अगर इसके बाद यूरोपियन यूनियन के बाहर देखें तो कनाडा ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बाकी भी कर रहे हैं. लेकिन पहला मल्टीलेटरल ब्लॉक, यहाँ पे कंट्री नहीं है, मल्टीलेटरल ब्लॉक है. तो सबसे पहला, ऐसे बहुत सारे और भी ब्लॉक्स हैं जैसे सार्क है, आसियान है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली ब्लॉक की बात करें तो पहला ब्लॉक कौन बना है, यूरोपियन यूनियन बना है. तो ये इसके बारे में है पूरा. उसके बाद एक और टर्म है टॉरिफेक्शन एक टर्म है. ये क्या है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, कन्वर्ट किया जाएगा बायोमास इनटू कोल लाइक मटेरियल. बायोमास में जैसे कि जो प्लांट्स वगैरह हो गए ये सारा कुछ बायोमास में आता है, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है कोल लाइक मटेरियल, जो कोल जैसे एक मटेरियल में इसको इस्तेमाल जो है कन्वर्ट किया जाएगा. यहाँ पे क्या है कि इंडिया टेस्ट स्वीडिश टॉरिफेक्शन टेक्नोलॉजी. तो ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जो है ये है टॉरे
टॉरेफैक्शन ये एक स्वीडिश स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। अभी इंडिया क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा, इंडिया ने इंडिया इसको टेस्ट कर रहा है टू रिड्यूस, किसके लिए, टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है आपको पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, जैसे कि फसलों को काटने के बाद जो पीछे बच जाते हैं रेजिड्यूज उन्हीं को स्टबल कहते हैं, फिर उनको जला दिया जाता है क्योंकि उसका किसानों के पास ज्यादा कोई सोल्यूशन होता नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से जो है हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कहा जाता है कि इससे जो जमीन है वो भी लेस फर्टाइल हो जाती है, इसीलिए उसके लिए अलग अलग जो है तरीके देखे जा रहे हैं कि उनको बर्न ना किया जाए, स्टबल बर्निंग को रोका जाए। तो अभी ये स्वीडिश बेस्ड जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है टॉरेफैक्शन टेक्नोलॉजी, इसको इंडिया टेस्ट कर रहा है हमारे इंडिया में। सो इट इज अ थर्मल प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड सॉलिड बायोफ्यूल्स फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ वुडी बायोमास और एग्री रेजिड्यूज। द एंड प्रोडक्ट इसको अगर करने से क्या मिलेगा, हमें एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा द स्टेबल होमोजीनियस हाई क्वालिटी सॉलिड बायोफ्यूल विद फार ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी एंड कैलोरीफिक वैल्यू देन द ओरिजिनल फीड स्टॉक। सो उसके बाद है प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इन लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग एंड स्टोरेज एज वेल एज ओपनिंग अप अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल यूजेस। तो ये काफी ये टर्म आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अभी जैसे इसको टेस्ट किया जा रहा है, आने वाले टाइम में इसके और भी एडवांटेजेस जो है वो सामने आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ताज ट्रैपजियम जोन। ताज ट्रैपजियम जोन इसीलिए न्यूज में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बैन जो पहले लगाया हुआ था उसको लिफ्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली लिफ्टेड इट्स अर्लियर इंटरिम ऑर्डर इम्पोजिंग अ कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कटिंग ऑफ ट्रीज इन ताज ट्रैपजियम जोन। तो जो पूरा ताज ट्रैपजियम जोन है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा ऑर्डर दिया हुआ था, बैन किया हुआ था कि वहां पे एरिया में ना तो कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ना ही वहां पे ट्रीज को काटना है। तो अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े सेड नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज विद प्रॉपर क्लियरेंस एंड दोज कंप्लाइंग विद द रूल्स कैन बी अलाउड। तो यहाँ पे ये है कि जो बेंच है इन्होंने कहा है कि अभी जो न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है विद प्रॉपर क्लियरेंस एंड दोज कंप्लाइंग विद रूल्स कैन बी अलाउड। नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वहां पे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और जो पूरे क्लियरेंसेस को जो है प्रॉपर क्लियरेंसेस जो लेके लेने के बाद वो अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और रूल्स के साथ उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उन पे बैन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। सो ताज जो ताज ट्रैपजियम जोन है इट इज अ डिफाइंड एरिया ऑफ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ रूलिंग ऑन December 30th, 1996। इतनी पुरानी रूलिंग है ये जो बैन लगाया हुआ था ना, इतनी पुरानी रूलिंग है रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज कवर्ड अंडर ताज ट्रैपजियम जोन इन रिस्पॉन्स टू अपील पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीकिंग टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो इट बैंड द यूज ऑफ कोल कोक इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन ताज ट्रैपजियम जोन विद द मैंडेट फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम कोल कोक टू नेचुरल गैस एंड रिलोकेटिंग देम आउटसाइड द जोन। तो ये पहले का मुद्दा भी जो है अलग रूल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ताज ट्रैपजियम जोन है ये कौन कौन से एरिया को अपने अंडर लेता है। इट कंप्राइजेस मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स द ताजमहल आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। तो 3 साइट्स हैं जो इसके अंडर आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ताज नाम है तो सिर्फ ताजमहल ही होगा, इसमें पूरे जोन में जो आता है वो ताजमहल आता है। 3 साइट्स आती हैं, एक आता है आगरा फोर्ट और तीसरा आता है फतेहपुर सिकरी। सो दिस जोन इज सो नेम्ड सिंस इट इज लोकेटेड अराउंड द ताजमहल एंड इज शेप्ड लाइक अ ट्रैपेज़ॉइड। तो ये इसके बारे में पूरा है। नेक्स्ट है फ्रॉग फोन। फ्रॉग फोन न्यूज में था। फ्रॉग फोन है क्या, रिसर्चर्स ने एक डिवाइस को, तो फ्रॉग फोन सबसे पहले तो फ्रॉग फोन एक डिवाइस है, रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है जिसकी वजह से क्या होगा कि साइंटिस्ट मॉनिटर कर पाएंगे फ्रॉग्स इन द वाइल्ड। जैसे कि जंगल है, जंगल में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, इनको मॉनिटर करना है तो ये डिवाइस की वजह से बहुत ही आसानी से, ये डिवाइस जो है इसकी वजह से
बहुत आसानी से उनको मॉनिटर जंगल में किया जा सकता है, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। सो इट हैज बीन डेवलप्ड, इसको डेवलप किसने किया है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस ने किया है, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यही याद रखना बस, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस ने इसको किया है। सो बिकॉज फ्रॉग्स आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, रिसर्चर्स आर यूजली रिक्वायर्ड टू मेक नाइटली ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर टू मॉनिटर देम ऑन साइट। Frog pond will allow researchers to dial these devices remotely and analyze the data later. तो यहाँ पे यही है कि frog जो होते हैं उनको अगर properly उनकी movement वगैरह को observe करना है तो वो night में active होते हैं, तो अब night में वहां पे लोग जाके घूमेंगे observe करेंगे possible नहीं है, तो इसलिए उनके जो areas हैं जहाँ पे वो ज्यादा आते हैं तो वहां पे इन devices को install कर दो, बाद में इसमें से जो है data लिया जा सकता है और analyze किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द cost and risks, including the negative impact of human presence on the field site, researchers say. So these devices also allow for monitoring of local frog population more frequently than before. पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था क्योंकि साइट पे जाके सब कुछ करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, अब इस डिवाइस की वजह से बहुत अच्छे से पॉसिबल हो जाएगा, विच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज पॉपुलेशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्मोक टावर के बारे में। स्मोक टावर के बारे में न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का टाइम दिया था सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सेटिंग अप की स्मोक जो टावर है उनको एस्टेब्लिश करो कन्नौट प्लेस जो कि दिल्ली में है एंड आनंद विहार, वाइल इशूंग स्लू ऑफ डायरेक्शन टू कॉम्बेट द मैनेज ऑफ एयर एंड वॉटर पॉल्यूशन। स्मोक टावर होते क्या है, ये स्ट्रक्चर होते हैं डिजाइंड एज अ लार्ज स्केल एयर प्योरिफायर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो न्यूज में था। वॉल्केनोस आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वॉल्केनोस क्या होते हैं, पूरा उनका प्रोसीजर वगैरह प्रोसेस क्या होता है कि वॉल्केनो जैसे इरप्ट होते हैं। तो अभी न्यूज में ये था कि जो फिलीपींस जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहां पे एक वॉल्केनो है टाल ऑन द आइलैंड लुजोन 50 किलोमीटर फ्रॉम मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पे इरप्ट हुआ था 12 जनवरी 2020 को, स्प्यूइंग लावा ऑन ग्राउंड एंड ऐश एंड स्मोक इनटू द स्काई। सो टॉल जो है इसको कहा जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो, नॉर्मल वॉल्केनो तो आपने सुनी होगी, इसको कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो कहा जा रहा है बाय फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ द वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी। अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो होता क्या है, a complex volcano also called a compound volcano is defined as one that consists of a complex of two or more vents. to normal volcano ke upar ek vent hota hai jisme se lava wagera sab nikalta hai, lekin yahan pe jo hai do se zyada vent hote hain. so or a volcano that has a associated volcanic dome either in its crater or on its flanks, example include Vesuvius besides Taal. So the Taal volcano does not rise from ground as a distinct singular dome but consists of multiple stratovolcanoes, conical hills and craters of all shapes and size. तो कहने का मतलब है कि एक normal volcano होता है उसका vent होता है dome होता है अलग अलग, लेकिन इसमें जो है काफी सारी forms एक ही साथ है इसीलिए इसको complex कह दिया गया है। सो नेक्स्ट इज समुराई लोन। समुराई लोन जो है टर्म न्यूज में थी, इंडिया लार्जेस्ट जो पावर जनरेटर एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रेज किए हैं $750 मिलियन वर्थ टर्म लोन इन जापानीज येन, क्लेमिंग इट टू बी द लार्जेस्ट एवर समुराई लोन रेज बाय एनी एशियन कॉर्पोरेट। तो अभी क्या है कि जो लोन है इन्होंने रेज किया क्योंकि जापान से जो है रेज किया है, तो जापानीज की जो जापानीज करेंसी है येन, तो येन में इसको रेज किया गया, हमें कितना लोन है वो $750 मिलियन का लोन है जापानीज येन में रेज किया गया है, और रेज किसने किया है, एनटीपीसी ने किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा लोन है रेज्ड बाय एनी एशियन कॉर्पोरेट। पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखा करो, यहाँ पे लिखा है एशियन कॉर्पोरेट, ठीक है। उसके बाद जो है समुराई लोन्स अलाउ नॉन जापानीज, इसमें क्या होता है कि जो समुराई लोन्स है ये अलाउ करते हैं जो नॉन जापानीज फॉर्म है, जापान के बाहर जो फॉर्म है, ताकि वो टैप कर सके टू टैप इनटू इन्वेस्टमेंट कैपिटल अवेलेबल इन जापान एंड बोरो फंड्स इन येन
विच इज अमंग द करेंसीज विद द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ पे अगर कोई रेस करेगा फंड तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देना पड़ेगा. सो द क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेटेड लोन प्रोवाइड्स अ बोरोअर विद कैपिटल टू इधर एंटर द जापानीज मार्केट और द एबिलिटी टू कन्वर्ट द प्रोसीड्स इनटू द फर्म्स लोकल करेंसी फॉर यूज इन एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. सो एनटीपीसी ने कहा है कि लोन जो है वाज रेज्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ आरबीआईज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेगुलेशंस एंड हैज बीन फुली अंडररिटन बाय एसबीआई इन टोक्यो, सुमिमोटो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इन सिंगापुर एंड बैंक ऑफ इंडिया टोक्यो. तो ये इसके बारे में पूरा है. नेक्स्ट टर्म जो है वो है अमंग एलिफेंट डेथ्स कॉज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस इलेक्ट्रोक्यूशन इज द प्राइमरी कॉज अकाउंटिंग फॉर नियरली 2/3 ऑफ द डेथ्स. तो ये पूरा जो डेटा है वो एलिफेंट डेथ्स से रिलेटेड है. एलिफेंट डेथ्स जो है जितनी भी एलिफेंट डेथ्स पूरे पिछले साल में हुई है वो कितने हुई है 5-10 हुई है. जितना भी टाइम पीरियड का ये डेटा लिया गया है उसमें जैसे 510 एलिफेंट्स की डेथ हुई है उसमें से 2/3 जो है 333 की डेथ किसकी भी क्योंकि अलग अलग रीजन की वजह से होती है. तो रीजन क्या रहा है इलेक्ट्रोक्यूशन. इलेक्ट्रोक्यूशन क्या है इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ होना. उसके बाद जो है ये पूरा डेटा किसका लिया गया है यहाँ पे बताया गया है कि बिटवीन 2014-15 एंड 18-19 2361 ह्यूमंस वर किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एलिफेंट्स. तो यहाँ पे इस टाइम में इतने इंसानों की भी डेथ हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एलिफेंट्स. व्हाइल 510 एलिमेंट्स वर किल्ड इन इंसिडेंट्स. तो यहाँ पे डेटा जो लिया गया है वो पूरे 4 साल का डेटा लिया गया है. 4 साल के 4 ईयर्स डेटा में क्या सामने आया है कि ह्यूमंस की 2361 इतने तो ह्यूमंस की डेथ हुई है. एलिफेंट्स की कितनी हुई है 551 एलिफेंट्स की डेथ हुई है. और एलिफेंट डेथ का रीजन क्या रहा है इलेक्ट्रोक्यूशन सबसे बड़ा रीजन रहा है. उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स पोचिंग एंड पॉइजनिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड. सो एडिशनली कॉन्फ्लिक्ट विद टाइगर्स कॉज्ड 275 ह्यूमन डेथ्स बिटवीन 2014 एंड 2019. उसके बाद अगर स्टेट वाइज देखें तो वेस्ट बंगाल हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ सबसे ज्यादा एलिफेंट की वजह से वेस्ट बंगाल में हुए हैं कॉज्ड बाय एलिफेंट एंड टाइगर दोनों का मिला के दिखा रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. 403 डाइड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद एलिफेंट्स एंड 74 डाइड ड्यू टू टाइगर्स. वेस्ट बंगाल इज फॉलोड बाय उड़ीसा इन द नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ्स कॉज्ड बाय एलिफेंट्स एंड बाय महाराष्ट्र इन द नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय टाइगर. तो सबसे ज्यादा डेथ्स एलिफेंट और टाइगर दोनों की वजह से वेस्ट बंगाल में हुई है. उसके बाद सेकेंड नंबर पे एलिफेंट की वजह से उड़ीसा में हुई है और टाइगर्स की वजह से सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र में हुए हैं. सो अमंग एलिफेंट डेथ्स कॉज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस इलेक्ट्रोक्यूशन इज अ प्राइमरी रीजन. इलेक्ट्रोक्यूशन वही है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक से डेथ होना. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर. रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एस गलती से था. तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिसेंटली अभी क्या हुआ यूटी वाज कंफर्म्ड एज द फर्स्ट को चेयर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑन इंडिया लेड ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अभी हुआ क्या है कि जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है क्या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इट वॉज अनाउंस्ड बाय इंडिया प्राइम मिनिस्टर. ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये वाला प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इट वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कहाँ पे उन्होंने किया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो यूएसए न्यूयॉर्क में हुआ था. हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था कुछ. तो जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 यूएसए में हुआ था वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्स्ट मूटेड एज एन आइडिया. तो ये पहली बार आइडिया जो है 2016 में दिया था अभी इसको प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च भी कर दिया गया है. वाइल इनॉग्रेटिंग द एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो 2016 की बात हो रही है तब इसको लॉन्च तब ये आइडिया दिया गया था. उसके बाद है इट्स अदर फाउंडिंग मेंबर जो इंडिया ने जैसे आइडिया दिया फाउंडिंग मेंबर इंडिया हो गया एक तो बाकी भी इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है जो सपोर्ट कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया भूटान फिजी इंडोनेशिया इटली जापान इतनी सारी कंट्रीज है तो आपने याद नहीं रखनी है क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता. सो इसके बाद ये है कि इट इज अ वॉलंटरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग. ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है लिंकिंग एग्रीमेंट्स यूएन एजेंसीज बैंक्स प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स एंड एकेडमिया टू डेवलप द रेजिलियंस
ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। इस पूरा का मतलब, इस पूरी कन्वेंशन, ये सब जो भी है प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये है कि डेवलप करना है हमने रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, कि हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जितना भी आगे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे वो रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब ना कर पाए। तो इसका मतलब पूरा यही है। जैसे कि अर्थ प्रोन, जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है वहां पे हम नॉर्मल बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, ऐसी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी जो अर्थक्वेक के जो अफेक्ट को रेजिस्ट कर सके। तो इसी तरह से हर जगह है बनाने की ऐसी बात कही है। सो दिस विल सेट टारगेट्स फॉर मेंबर कंट्रीज टू ब्रिंग डाउन डिजास्टर डेथ्स, इकोनॉमिक लॉसेस एंड स्ट्राइव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके जो गवर्निंग काउंसिल है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, वो है गवर्निंग काउंसिल। सो गवर्निंग काउंसिल है, इट इज को-चेयर्ड बाय इंडिया एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय रोटेशन एवरी टू इयर्स। तो अभी क्या होगा कि इसका चेयरमैन जो है इंडिया तो रहेगा ही, क्योंकि इंडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साथ को-चेयर इसको एक और कंट्री का जो है हेड है वो करेगा, और रोटेशन के बेसिस पे होगा। जैसे एक बार एक कंट्री, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे दो दो साल के लिए रहेगा। और इम्पोर्टेंट ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि सबसे पहला इसका जो है को-चेयर इसको कौन करेगा इंडिया के साथ, वो यूके करेगा। UK was confirmed as a first co-chair of the governing council. So grouping will support collaborative research, knowledge sharing as well as mutual technical assistance among coalition partners along these four areas. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 टाइटल्ड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जिसका टाइटल है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसको रिलीज किया गया है। इसके बारे में अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देखें, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है दैट गिव्स एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्टेट use and management of world's fresh water resources and aims to provide decision makers with tools to formulate and implement sustainable water policies. It is published by UNESCO on behalf of UN Water. So UN Water के behalf पे इसको UNESCO ने launch किया, publish किया है इसको। यूनाइटेड नेशन वाटर है क्या, इट कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज। सो यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ 31 यूएन वाटर मेंबर्स एंड पार्टनर्स इन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो 2020 इसका जो एडिशन रहा है इस रिपोर्ट का, एड्रेसेस द क्रिटिकल लिंकेजेस बिटवीन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट को कम करना चाहते हैं, तो वाटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिपोर्ट फाइंड्स दैट वाटर रेयरली अपीयर्स इन इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स इवन दो इट प्लेज अ की रोल इन इश्यूज सच एज फूड सिक्योरिटी, एनर्जी प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। So it concludes that reducing both the impacts and drivers of climate change will require substantial changes in the way we use water and reuse the earth's limited water resources. So अगर हमें sustainable development के बारे में सोचना है, policies बनाने हैं, तो water को वहाँ पे policy making में हमें special place देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम water को बेमतलब से use करते जाएंगे तो ये water scarce resource है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए policies में ध्यान, ये policies ऐसे बनाने चाहिए कि वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल किया जाए, इस तरह के सारे एफर्ट्स लेने की बात कही गई है। उसके बाद है रेड स्नो। रेड स्नो क्या है, जैसे कि स्नो है वो रेड है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। न्यूज में ये आया था कि ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स फोटोग्राफ्स ऑफ रेड स्नो अराउंड यूक्रेन्स वर्नेडस्काई रिसर्च बेस ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका'स नॉर्दर्न मोस्ट पेनिनसुला ये हैव गॉन वायरल। तो यूक्रेन जो रशिया के पास एक स्टेट है, कंट्री है, एक टाइम पे ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर यूक्रेन जो है रशिया से नहीं, एक टाइम पे 1991 से पहले ये जो बड़ा यूएसएसआर कंट्री था उसका जो
पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर क्या है इन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली। अभी क्या हुआ, तीन चार साल, चार साल आई थिंक पहले की बात है, चार पांच साल पहले फिर से रशिया ने यूक्रेन को अपने अंदर मिला लिया था, जबरदस्ती से सब कुछ हुआ था वैसे, लेकिन रशिया ने कहा था कि ये सब यूक्रेन के लोगों की मर्जी से हुआ है। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे, उनको G8 जो ग्रुपिंग है वहां से भी निकाल दिया था। तो ये सारा कुछ यूक्रेन के को अनेक्स करने के पीछे इसकी वजह से हुआ था। तो अभी यूक्रेन में क्या हुआ है कि वहां पे रेड स्नो देखने को मिली है। रेड स्नो भी कह सकते हैं वाटरमेलन, ये एक फिनोमिना है दैट हैज बीन नोन सिंस एंशियंट टाइम्स, नाउ इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। अभी क्या है, ये न्यू फिनोमिना नहीं है कि पहली बार ऐसा इवेंट देखने को मिला है कि स्नो इज टर्निंग रेड और उसके बाद उसको वाटरमेलन भी कहा जा रहा है। इसको एंशियंट टाइम से ही ये फिनोमिना के बारे में लोगों को पता था, लेकिन अभी इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कंसर्न है वो रेज हो रहे हैं। जैसे कि एरिस्टोटल थे, उन्होंने कहा था कि इट इज बिलीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू गिव अ रिटन अकाउंट ऑफ रेड स्नो ओवर 2000 इयर्स एगो। उन्होंने कहा था इन हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, एरिस्टोटल ने कहा था, एंड बाय द वे लिविंग एनिमल्स आर फाउंड इन सब्सटेंसेस दैट आर यूजुअली सपोज्ड टू बी इनकेपेबल ऑफ द पुट्रीफेक्शन, ग्रीक फिलोसोफर वॉज राइट। उन्होंने कहा था कि इट इज एलजी दैट गिव्स अ स्नो इट्स अ रेड टिंट। तो यहाँ पे जो स्नो जो है उसका कलर थोड़ा रेड हो रहा है वो एलजी की वजह से हो रहा है। एलजी जो है, एलजी की वजह से इसका कलर जो है वो रेड हो रहा है। ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 2000 इयर्स एगो कहा था। दिस एलजी स्पीशीज जो है क्लैमिडोमोनस निवालिस एग्जिस्ट इन स्नो, ये स्नो में ही रहती है इन द पोलर एंड ग्लेशियर रीजन एंड कैरीज अ रेड पिगमेंट टू कीप इटसेल्फ वार्म। तो क्या है कि जैसे कि जो हमारा पोलर रीजन है और ग्लेशियल रीजन होते हैं जो बहुत ही जैसे कि ठंडे रीजन होते हैं क्योंकि वहां पे स्नो होती है, इसकी वजह से क्या है कि वहां पे एक एलजी रहती है जो कि ये इसका नाम है, ये इसका नाम है क्लैमिडोमोनस निवालिस। तो ये क्या करती है कि अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए ऐसी सिचुएशन में ये रेड कलर जो है इसमें क्या होता है, इसकी वजह से ये रेड कलर इसका होता है जो है कैरी करती है, रेड पिगमेंट इसमें होता है टू कीप इट्सेल्फ वार्म, जिसकी वजह से वो स्नो में बहुत ज्यादा एलजी होने की वजह से वो स्नो रेड कलर की हो गई है। सो इट टर्न्स द रेड स्नो कॉजेज द सराउंडिंग आइस टू मेल्ट। इसकी वजह से दिक्कत क्लाइमेट चेंज के साथ इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जैसे ही स्नो का कलर रेड हो रहा है उसकी वजह से आइस जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। 2017 स्टडी फ्रॉम अलास्का पैसिफिक यूनिवर्सिटी सेड द मोर द एलजी पैक्ड टुगेदर द रेडर द स्नो एंड द डार्कर द टिंज एंड द मोर द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्नो सब्सिक्वेंटली आइस मेल्ट्स फास्टर इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन आर्कटिक द की ड्राइवर्स हैव बीन स्नो एंड आइस अल्बेडो अकॉर्डिंग टू अ 2016 स्टडी इन जर्नल नेचर। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक ड्राफ्ट आया है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ये है कि जब भी कोई बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी होती है तो उससे पहले एक रिपोर्ट देनी होती है, उनको दिखाना होता है कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा बुरा असर नहीं होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्रपोज किया है कि ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन टू रिप्लेस द करंट। अभी इससे पहले जो नोटिफिकेशन था वो 2006 में दिया गया था, लेकिन अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जरूरतें चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली सब कुछ जैसे रूल्स वगैरह भी चेंज करने पड़ते हैं, इसीलिए अब न्यू रूल दिया है 2020 आफ्टर 14 इयर्स। सो बैकग्राउंड ये रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उन सबको जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। दे आर यूजुअली गिवन बिफोर अ प्रोजेक्ट कमेंसेस, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ये परमिशन लेनी पड़ती है। सो जो 2006 का नोटिफिकेशन था इशूड किया गया था अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये रेगुलेट करता है एनवायरमेंट क्लियरेंस गिवन बाय गवर्नमेंट कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि डैम बनाना है, माइनिंग करनी है, थर्मल पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। सो जो न्यू नोटिफिकेशन है इज बीइंग ब्रॉट इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, ताकि प्रोसेस जो है और भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, जो पुराने रूल्स में लूप होल्स है वो रिमूव हो जाए, एंड एक्सपीडियंट बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑनलाइन सिस्टम, फर्दर डेलीगेशन, रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस।
इसके सेलियंट फीचर्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज में ये है कि जो 2006 का नोटिफिकेशन था वहां पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिनकी डेफिनेशन नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉज में जैसे रूल्स में लूप होल्स रह जाते हैं, जैसे क्लियरली किसी चीज को डिफाइन ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा। लेकिन अब वाले नोटिफिकेशन में जैसे कि कुछ टर्म्स है जैसे कि सीवियरली पोल्यूटेड एरियाज कौन से होंगे, पब्लिक कंसल्टेशन का क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से होंगे, उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया है। उसके बाद है कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अंडर प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। 2006 का जो नोटिफिकेशन था, व्हाइल 2006 नोटिफिकेशन कैटेगराइजेस ऑल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज होती है। जैसे जो 2006 वाला नोटिफिकेशन था उसमें दो कैटेगरीज थी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। जो ड्राफ्ट है अभी न्यू वाला ड्राफ्ट आया नोटिफिकेशन, उसमें तीन कैटेगरीज है, कौन कौन सी है, ए है, बी वन है, बी टू है, बेस्ड ऑन पोटेंशियल सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड स्पेशल एक्सटेंट ऑफ दीज इंपैक्ट्स। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कैटेगरी ए शैल रिक्वायर प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। उसके बाद जो है जितने भी ए वाले प्रोजेक्ट कैटेगरी में उन सबको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। जितने भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है शैल बी जिसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होगी वो बी टू में डाल दिए गए हैं। ड्राफ्ट ब्रिंग्स सर्टेन प्रोजेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ईआई प्रोसेस। जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहली बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस के अंडर लाए गए हैं, जैसे कि ब्रिजेस एंड एलिवेटर रोड्स वुड नाउ कम अंडर द एम्बिट ऑफ ग्रीन असेसमेंट। उसके बाद है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी। पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस इज मेड मैंडेटरी फॉर कैटेगरी ए एंड बी वन प्रोजेक्ट। बी वन के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ए के लिए जो है पहले ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो क्लियरेंस है वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन होगी कैटेगरी ए एंड बी वन प्रोजेक्ट्स के लिए। ड्राफ्ट ने प्रपोज किया है कि एक्सपैंड किया जाएगा लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि एग्जाम्प्टेड है, जिनको छूट दी गई है फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन बिफोर दे सीक एनवायरमेंट क्लियरेंस। उसके बाद जो है पब्लिक कंसल्टेशन इज एग्जाम्प्टेड किन किन को कौन से प्रोजेक्ट को छूट दी गई है। फॉर प्रोजेक्ट्स जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इनलैंड वाटरवेज एक्सपेंशन और वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज, ऑल प्रोजेक्ट कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी और इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन एज डिटर्मिंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल लीनियर प्रोजेक्ट्स लाइक पाइपलाइंस इन बॉर्डर एरियाज एंड ऑल ऑफशोर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स। As strategic projects are not defined, यहाँ पे strategic project define नहीं किए गए हैं, it will give wider discretionary powers to the government which can designate any other project as of strategic importance in name of energy security etc. to steer it clear of any public consultation and push the project. तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ ऐसे strategic projects हैं जिनके लिए कोई clearance लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अगर वो national defense security से related है तो यहाँ पे ये कहा गया कि strategic projects के under क्या क्या आएगा वो properly define नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद में authorities इसको misuse कर सकते हैं कि जिस जो भी government को लगेगा कि project उनके लिए जरूरी है चाहे वो environment को खतरा पैदा करे फिर भी वो उसको clearance दे देंगे under the strategic project। So, उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड बताया गया है कंसल्टेशन के लिए। पहले जो था टाइम पीरियड ज्यादा होता है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, अभी कम कर दिया गया है। पहले 30 डेज का होता था, अभी 20 डेज का होगा। उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट पब्लिक हियरिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 40 डेज, पहले 45 डेज होती थी। हाउएवर ये बोल रहे हैं कि लैक ऑफ जो है, पहले क्या होता था कि जैसे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है लोगों से कंसल्ट करने के लिए तो उनके ज्यादा व्यूज कॉमेंट्स वगैरह आएंगे, लेकिन अब कम टाइम कर दिया गया है तो इट मीन्स जो है उनको कम टाइम दिया गया है तो ये भी प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। So, उसके बाद जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें, इन एन इन्वेस्टर फ्रेंडली कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो प्रोजेक्ट के ओनर्स होंगे ना उनको सबमिट करनी पड़ेगी कि एनवायरमेंटल कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी ईयर, हर साल उनको देनी पड़ेगी। पहले कितना होता था, हर 6 महीने बाद देनी पड़ती थी, लेकिन अभी थोड़ा लूज कर दिया गया है रूल्स को थोड़ा, तो अभी 1 ईयर दे दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि कंप्लायंस मैकेनिज्म रिक्वायर्स द प्रमोटर्स टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टू बी असेस्ड। This leaves a lot of room for promoters to pick and choose the data and information which is to be supplied. ये कह रहे हैं कि पहले उनको 6 महीने में देना पड़ता था, अब 1 साल का टाइम दे दिया गया तो इस टाइम में वो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। So, उसके बाद जो है डीलिंग ऑफ वायलेशंस केसेस, तो यहाँ पे पहली बार एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया है। ड्राफ्ट डिफाइंस वायलेशन एज केसेस
where projects either start the construction or evacuation or undertaken expansion without prior permission. तो permission के बिना अगर वो project को शुरू कर देते हैं, construction शुरू कर देते हैं, evacuation शुरू कर देते हैं, तो ये एक illegal होगा इसके अंडर के जो है जो रूल है उनको violate किया जा रहा है, बाद में उनको सजा वजा जो भी fine वगैरह लगा दिया जाएगा. उसके बाद है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम. एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम एंड रिलेटेड एग्रीमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम रेगुलेट्स द इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिका अर्थ्स ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट अ नेटिव पॉपुलेशन नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन. फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रीटी सिस्टम एंटार्क्टिक जो है उसको डिफाइन किया गया है एज ऑल ऑफ द लैंड एंड आइस शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. So the treaty entered into force in 1961 and currently has 54 parties. The treaty set aside Antarctic as a scientific preserve, establishes freedom of scientific investigation and bans military activities on the continent. The treaty was the first arms control agreement established after the Cold War. Since September 2004, the Antarctic Treaty Secretariat headquarters has been located in Buenos Aires, Argentina. ये important है. इसका जो सेक्रेटेरिएट जो है वो अर्जेंटीना में है. नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट कॉजेंस रूल्स. ये न्यूज में था, ये टर्म न्यूज में थी. ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कंपेलिंग लॉ. ये रूल्स हैं इन इंटरनेशनल लॉ दैट आर पेरेंटरी और अथॉरिटेटिव एंड फ्रॉम विच स्टेट्स कैन नॉट डेविएट. ऐसे रूल्स जिनसे स्टेट जो है वो डेविएट नहीं कर सकते हैं, मानने पड़ेंगे. दीज नॉर्म्स कैन नॉट बी ऑफसेट बाय अ सेपरेट ट्रीटी बिटवीन पार्टीज इंटेंडिंग टू डू सो सिंस दे होल्ड फंडामेंटल वैल्यूज. टूडे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कॉजेंस विच डेट्स बैक टू द रोमन टाइम्स. The just causes rules have been sanctioned by Vienna Convention. ये भी याद है, जहाँ जिसको भी मैं राउंड कर रही हूँ वो सारे आपने याद रखने कीवर्ड्स होते हैं. On the law of the treaties of 1969 and 1986, according to both conventions, a treaty is void if it breaches just causes rules. Next है हमारा इन रीसेंट स्टेटमेंट, एक छोटी सी टर्म है. इन रीसेंट स्टेटमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने प्रोवाइड किया है कि एस्टिमेट के जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है वहां पे गोल्ड के एक्सट्रैक्ट बहुत सारा गोल्ड मिलेगा. साइट जो है ये कौन सी है ये पता होना चाहिए. साइट इज पार्ट ऑफ द महाकौशल रीजन दैट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ यूपी एमपी एंड झारखंड. इससे रिलेटेड अब ये भी न्यूज आई थी कि कहा जा रहा था कि अराउंड 3000 की पता नहीं बहुत सारा गोल्ड यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसका बहुत ही 10% भी नहीं मिला, बहुत कम मिला है वहां पे. तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस साइट कहाँ पे ये पता होना चाहिए. सो हमारा एनवायरनमेंट का जितना भी था खत्म हो गया है, और अभी जो है हम दूसरे सब्जेक्ट का शुरू कर लेंगे. बाकी जो है मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जैसे कि अगर आपने अभी ये मुझे सुन रहे हो मीन्स आपने वीडियो पूरी देखी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी एडवांटेज हो और मुझे भी थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियोज बना रही हूँ, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं. सो हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिए. आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मेरा गला पूरी तरह से सूख गया है. सो बाय बाय.